और इस मोटू को देखो जरा, सोने का नाम नहीं है। छोटा क्यों नहीं है बाबू? हाँ नींद नहीं आ रही है, कुछ भी मिस करना नहीं है, है ना? हस्ती भी नहीं है, हस्ती भी नहीं है, गोलगप्पा हस्ती भी नहीं है। आओ चलो, बाय। चलो चलो, बाय। हेलो गाइस, मेरा नाम है नम्रता टोपो और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और हम घर से निकल गए हैं और हम कहाँ जा रहे हैं आपको पता चल जाएगा, तो प्लीज़ मेरे व्लॉग में बने रहिए। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो हम पहुंच गए हैं विजय सेल्स। जैसे आप लोगों को पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें मिलती हैं और हम यहाँ पे क्यों आए हैं आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ एक बात। पता नहीं आप लोगों ने नोटिस किया है कि नहीं किया है, मेरे पिछले 3-4 जो वीडियोज़ की क्लैरिटी में आप लोगों ने पता नहीं डिफरेंस फील किया है कि नहीं किया है। जो उससे पहले की जो वीडियोज़ थी वो मैं अपने पुराने वाले फ़ोन से बनाती थी और अभी पिछले 3-4 जो वीडियोस हैं वो मेरी 4K में बनी हैं, जो मेरे नए फ़ोन से बनी हैं। तो जी हाँ, मैं यहाँ पे फ़ोन लेने ही आई हूँ और फ़ोन मैं यहाँ पे क्यों ले रही हूँ वो भी आपको आगे पता चल जाएगा। वैसे मेरा फ़ोन अच्छे कंडीशन में है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं उसी से शूट करती थी और वो 1080p में शूट होता था। लेकिन एक रीज़न है, रीज़न की वजह से हम यहाँ पे फ़ोन लेने आए हैं। तो चलिए पहले फ़ोन को ख़रीद लेते हैं। कौन सा फ़ोन है वो मैं डिसाइड कर चुकी हूँ, बस हमको यहाँ पे बिलिंग करानी है। तो चलिए यहाँ पे आई थिंक बिलिंग भी हो गई है और बस जो थोड़ी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो यहाँ पे हो रही है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। और ये वीडियो है संडे की और डेट था उस दिन 14 जुलाई, यानी फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन था उस का 12th को और हम मम्मी के पास थे तो वहीं से हम लोग यहाँ पे आए हैं। सैटरडे को हम यहाँ पे आए थे चेकआउट करने के लिए कि कौन सा यहाँ पे फ़ोन अवेलेबल है या नहीं है, तो हम सैटरडे को ही डिसाइड कर चुके थे। तो संडे को हम फाइनल फ़ोन को मतलब हमने फाइनल कर लिया था, बस हम यहाँ पर फ़ोन को लेने आए हैं। तो बस देखिए यहाँ पे हमने फ़ोन ले लिया, यहाँ पे फ़ोन की डिलीवरी हो रही है, मतलब वो अपने जो भी फॉर्मेलिटीज़ उनको करना है वो कर रहे हैं और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। वैसे ज़रूरत तो नहीं थी मुझे फ़ोन की, लेकिन एक रीज़न है उसकी वजह से मुझे फ़ोन लेना पड़ा है। तो वो क्या रीज़न है वो हमें आगे पता चल जाएगा, आप लोगों को मतलब पता चल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। फ़ोन हमने ले लिया है और कौन सा फ़ोन लिया है तो वो मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ। फिलहाल हम जा रहे हैं लेंस कार्ट क्योंकि मुझे अपने लिए बनवाने हैं रीडिंग ग्लासेस, क्योंकि जो मेरा पुराना वाले रीडिंग ग्लासेस है ना वो टूट गया है। और जैसे ही हम लेंस कार्ट गए ना, वहाँ पे एक लेडी थी, उन्होंने अपनी बेटी के लिए चश्मा बनवाया था, तो वो कंप्लेन कर रही थी कि जो बेटी के लिए जो चश्मा बनवाया था ना वो बार बार जो है ना गिर रहा है। तो हम वहाँ से निकल गए लेंस कार्ट से और फिर हम किसी दूसरे शॉप में गए, फिर वहाँ से मैंने, हाँ ये है वो शॉप, फिर यहाँ से मैंने अपने लिए ग्लासेस बनवाए। रोशन अपना फ़ोन दिखाओ पहले। ढंग से दिखाओ, चालू करो। चालू है भाई, तुम्हारा फोन चालू ही है जैसे तुम चालू हो। जट्टो कहाँ से खुल गया? तो देखिए रोशन के फ़ोन की हालत, स्क्रीन रोशन के फ़ोन का ख़राब हो गया है। जब हम छत्तीसगढ़ गए थे ना तब गाड़ी में फ़ोन रखा हुआ था और रोज़ाना खा रही थी आइसक्रीम और उसने ना आइसक्रीम रख दिया था, मतलब आइसक्रीम और फ़ोन जो ना साथ में रह गए और हमें पता ही नहीं चला कि आइसक्रीम पड़ी हुई है गाड़ी में। और जब हम मतलब अपने घर वहाँ छत्तीसगढ़ में पहुँचे थे तो जब हमने गाड़ी खोली तब पता चला पूरी आइसक्रीम जो है वो मेल्ट हो गई है और जो आइसक्रीम है ना वो रोशन के फ़ोन के अंदर चली गई है। उस वक्त तो थोड़ा सा आधा स्क्रीन ही ख़राब था और अब की डेट में मतलब अब जो है रोशन के फ़ोन का जो स्क्रीन है वो पूरा ऐसे हो गया है, जो कि मतलब ढंग से दिख नहीं रहा है। और तो मुझे एक आइडिया आया मुझे मौका मिल गया नए फ़ोन का आइडिया है। ऑब्वियसली एक फ़ोन तो चाहिए, रोशन ऐसे तो काम चला नहीं पाएगा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं नया फ़ोन ले लूँ और रोशन को अपना फ़ोन दे दूँ। तो बस तुम्हें कैसा लगा ये ख्याल?
खुरापाती आइडिया। हाँ खुरापाती आइडिया। क्यों, इसमें क्या खुरापाती? तुमको तो, तुम्हारे हाथ में तो कोई भी फोन ज्यादा दिन टिकता नहीं है, तो नया फोन लेके क्या करोगे? हाँ तो नया फोन लेके क्या करोगे? मेरा क्या नया फायदा होता है? वो तो घूम फिर के, मैं इतने अच्छे से फोन को संभाल के रखती हूँ। और इनफैक्ट मैं, मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा मेरे को अपना ये जो मेरा फोन जो मैं यूज करती हूँ ये देने का, क्योंकि ये जो मेरा फ़ोन है ये बहुत अच्छा है और इसकी कंडीशन इतनी अच्छी है। और मैं आप लोगों को भी इसकी कंडीशन दिखाऊंगी जब मैं नए फ़ोन से शूट करूंगी, और अभी मैं जो कंडीशन अभी है वो एक महीने बाद में वो कंडीशन आपको दिखाऊंगी कि वो कंडीशन वैसे रहती है कि नहीं रहती है। क्यों रोशन, रोशन भी यही है? हाँ रोशन से पूछेंगे, देखना वो फ़ोन जो है ना वो रद्द ही मिलेगा आपको। मतलब अभी इतनी अच्छी कंडीशन मैं दूंगी और जब मैं, हम एक महीने बाद देखेंगे, आप लोग भी गवाह हैं, देखेंगे और देखना उस फ़ोन की क्या हालत होगी। कुछ बोलना चाहेंगे? तो चलिए जो फोन मैं लेके आई हूँ उसको, उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। व्हाट हुआ ना? तो व्हाट, आई गॉट गिफ्ट फॉर यू। यू गॉट गिफ्ट फॉर मी? गिफ्ट ले लो, लो मम्मा आप ले लो। ओके थैंक यू। हुसैना ने ये पहले से ही खोल दिया, तो इसको दोबारा से इसके जो ओरिजिनल बॉक्स में डालते हैं। वेट ना बेटा, वेट वेट, क्या ओरिजिनल बॉक्स में? बॉक्स से निकाल दिया था हुसैना ने, तो दिखाते हैं आपको। अरे दो, तो देखिए ये है मेरा नया फोन, नथिंग टू ए। तो चलिए इसे खोलते हैं, खोलो तुम खोलो। और इस बार मैंने वाइट फोन लिया है क्योंकि ब्लैक फ़ोन, ब्लू फ़ोन यूज़ कर करके ना बोर हो गए हैं। ये रहा ना, यहाँ से खुले भाई, यहाँ से पक्का? हाँ ना, उसने भी इसे बोला था क्या? हाँ। टेन टेन। इसका बैक देखो, बैक ये बहुत ही क्या क्या बोले, रोबोटिक। हाँ वैसा फोन है, वैसे AI फोन। ओके, रोबोट ही लग रहा है। तो चलिए ये लास्ट रिकॉर्डिंग है इस फोन से, और अगली जो रिकॉर्डिंग होगी, अगला जो मैं व्लॉग बनाऊंगी वो मैं बनाऊंगी अपने नए फोन से। तो चलिए ये फोन मैं हैंड ओवर करूंगी रोशन को। इतना जोर से, ओ माय गॉड, Here comes pizza. Pizza. Do you like pizza? Yeah. आपको पिज्जा खाना है? हाँ। आपको खाना है पिज्जा? हाँ। Oh my God, सही है। Wait. आज बच्चों की पार्टी हो चुकी है, मतलब हो रही है। पिज्जा मंगा है, किस खुशी में? इन मैडम का फोन आया है, मैडम ने पार्टी दी है। नाइस ना, बोलो मामू ओपन। चलो खोल दो खोल दो खोल दो खोल दो खोल दो जल्दी से। वाव नाइस, ऑसम। होपफुली बच्चे खाए यहाँ पे। एक ये है, एक और है, और एक और हाफ है। ढाई पिज्जा है, दो लार्ज है और एक मीडियम। चलो खाओ खाओ खाओ, चलो। तो देखिए फोन, नया फोन आ गया है और उसकी पार्टी भी हो गई है, और हम सब खाएंगे अभी पिज्जा। और क्या बाय बोलते हैं, है ना? बाय बोले पेट पे। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग में। तो चले, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय।